वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने शॉल डाल ली है, आज ठंड लग रही है मुझे, थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है। अभी बज रहे सुबह के 7 और रोज सुबह के 7 इतनी कड़कती धूप निकलती है ना, 7 बजे इतनी कड़कती धूप निकलती है, लेकिन आज ठंड लग रही है क्योंकि कल शिमला में और इधर स्नोफॉल हुई है, तो अब थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लग गई है। और आज है छोटी दिवाली और हम जा रहे हैं सांवरिया सेठ, मेरे यहाँ से कुछ 80 किलोमीटर्स दूर है, चित्तौड़गढ़ के आसपास पड़ता है। सो हम सांवरिया सेठ जा रहे हैं, तो उसी के लिए अभी रेडी हो रहे हैं। 8 बजे निकलना है, 7 बज रही है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ, जो मुझे साथ में कैरी करना है, क्योंकि मैं तो 11 साढ़े 11 बजे खाऊंगी। तो मुझे ओट्स चाहिए, तो मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें पैक कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपने ओट्स बना दिए हैं और ओट्स के अंदर मैं कट कर रही हूँ एप्पल। टिफिन में लेके जाऊंगी, तो टिफिन में ही बनाया डायरेक्ट। और ये मम्मी का डिब्बा पैक, ये मेरा डिब्बा पैक। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम निकल रहे हैं। 8:30 बज गई, 8 बजे निकलना था और 10 साढ़े 10 की आरती वाले दर्शन करेंगे। 2 घंटे पहुँचने में लगेंगे, बस अच्छे से दर्शन हो जाए। कबूतर चौक की तरफ जा। नहीं, ये मीरा सर्कल है। अरे हाँ, तो उधर ही लेनी है, पैदल जाना है भाई। क्या कह रहा? कबूतर चौक है। तो हम पहुंच गए हैं। आ गए मम्मी। कितने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे? कब से बोल रही मम्मी सांवरिया सेठ चलना है, सांवरिया सेठ चलना है। 25 साल बाद। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी रास्ते में, मैंने दुपट्टा ऐसे डाल रखा क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, सिर पे मोशन सिकनेस हो रहा था मुझे, और मैंने कुछ खाया भी नहीं, तो उस वजह से भी बहुत ज्यादा ऐसे वॉमिटिंग टाइप हो रहा था। बट अभी मंदिर जाके आएंगे, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेरी, बट अब थोड़ा ठीक है, गाड़ी रुक गई है। तो सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ, मैं बहुत धूप हो रखी बाहर, मैं घर से कुछ भी लगा के नहीं आई, मैं मतलब ठीक है सिर्फ क्रीम अप्लाई करके आई थी, क्योंकि इतनी देर गाड़ी में बैठना है, सारा ऐसे ड्राई ड्राई हो जाता है फिर से, इसलिए तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है यार। आज मुझे बहुत टाइम बाद मोशन सिकनेस हुआ है, क्योंकि मैं पीछे बैठी हूँ, मैं कभी लॉन्ग डिस्टेंस में पीछे बैठ के ट्रैवल नहीं करती हूँ, इस वजह से। हो गए मम्मी अच्छे से दर्शन, बहुत सुंदर श्रृंगार था। तो अभी हम मंदिर के अंदर गार्डन में आए देखने के लिए, मम्मी को गार्डन में घूमना था तो यहाँ पे लेके आई हूँ। और ये मेरा ड्राइवर अंकल भी रील्स बना रहे हैं अपनी, मतलब मैं खुद रील नहीं बना रही हूँ, इनकी रील चालू है अच्छे से मस्त। मम्मी फिर से दर्शन करने चली गई, मम्मी ने अभी तक कम से कम 3-4 बारी तो दर्शन कर लिए, हर गेट से अलग अलग जाके दर्शन करें। ये रिया अब इस वाले मंदिर में जाएगी। ये मेरी मम्मी बोल रही है पूरा गेट सोने का है,
मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता देना क्या सच में सोने का। ये तो अंदर चांदी के रथ रख रखे हैं। जिसके पास से मोमेंट है उसके घड़ी चढ़ते हैं, नमन करता हूँ, बिना प्रवृत्ति करता हूँ। क्या ऊपर ये ध्वजा लगी हुई पूरा सोने का है, तो अभी भी होते ही चढ़ावा आता है ऐसे। सोने को पूरा थोड़ी हरी, तू भी चढ़ा थोड़ा, तू भी चढ़ा थोड़ा कमा के। देख अपन आया, कमाएंगे तो चढ़ाएंगे। हाँ, चाहा इन्होंने वापस बुलाया अपने। ये पूरा सोने का, वो भी है सोने का। हाँ, वो वाला भी है। कैमरा शानदार है, आईफोन आज तक ना आईफोन। तो दस दर्शन हो गए हैं। बुलेट में चाय में भाई खाएंगे भाई, शनिवार हर जगह चाय चाहिए। दर्शन हो गए, निकल गए हम फिर से। मम्मी को रास्ते में एक दो जगह दर्शन और करने, शनि महाराज के वहाँ पर दर्शन करेंगे, फिर से काकरोली पहुँचेंगे। और अभी खा रही हूँ मैं सुबह के ओट्स, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस हो गया रास्ते में बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मक्की की रोटी बना खिलाओ। ओट्स से कुछ नहीं होता? हाँ जी, तो मक्की की रोटी खाता। मैं पूरे दिन थोड़ी खाती हूँ, ओट्स ब्रेकफास्ट में खाती हूँ, फिर रात को बाजरे की रोटी खाती हूँ मैं सर्दी में। रात को मक्की की भी नहीं, मैं डायरेक्ट बाजरे की खाती हूँ, उससे ताकत आती है। ताकत गुड़ मिले इनका, चूरमा बना के खाती हूँ, चूरमे की ताकत। मन तो नहीं सदे वो पूरा खाना हो जाता है, बाजरे की रोटी, चूरमा चूर दो और दूध। एक रोटी को इतना घी, हाँ गुड़, और एक कटोरी दूध ला के रख दिया। ऐसे ही होता है, पहले चूरमा खिलाते हैं फिर दाल रोटी खिलाते हैं। एक रोटी में तो दाल, एक रोटी में तो घी और गुड़ डाल के दे दिया, एक कटोरी दूध भर के दे दिया। अभी और क्या खावे? नाश्ता नहीं, पहले खाने में मीठा खिलाते हैं फिर खाना खिलाते हैं। जब मैं जोधपुर गई थी ना, वहाँ पर खोबा रोटी खाई थी हमने, तो रोटी के ऊपर घी डाला, हाँ। फिर दाल बहुत सारा, फिर उसको चूरी, फिर उसमें दाल डाल के खिलाई। तो ऐसे ही खाते हैं हरियाणा साइड, मारवाड़ साइड। भाता है, खाते है, अच्छा लगता है। मैं तो खाती हूँ, मेरे को भाता भी है, बहुत अच्छा लगता है। अभी सर्दी आ गई है, मैं बाजरे की रोटी बना के खाऊंगी शाम शाम को, चूरमा चूर के बहुत अच्छा लगता है बाजरे का चूरमा। ये मम्मी का लास्ट मंदिर बाकी है, शनिदेव का मंदिर है ये। इस मंदिर में दर्शन हो जाएंगे मम्मी के, फिर मम्मी की आज की यात्रा पूर्ण हो जाएगी, संपूर्ण क्या बोलते हैं। सांवरिया सेठ गए थे, उसके बाद मम्मी गई थी आशापुरा माता जी, नहीं सॉरी आवरी माता के मंदिर गई थी, और उसके बाद अब यहाँ जा रहे हैं शनिदेव के मंदिर। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए सांवरिया सेठ में, थोड़ी सी भीड़ थी क्योंकि आज छोटी दिवाली है ना, और खाटू श्याम का बर्थडे भी है इसलिए, बट कोई बात नहीं, इतना सा तो चलता है। नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगी। और पूरा मंदिर जो भगवान का श्रृंगार वगैरह था ना, और बना हुआ था पूरा सोने का बना हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था ना। हम सब घर पे आ चुके हैं, मैंने रील वगैरह एडिट कर ली और अभी जस्ट अपलोड की है, और अभी बज रहे हैं शाम के 7:15, और मम्मी और हरी तैयारी कर रहे हैं बाहर दीपक करने की। और अभी मम्मी तुलसी जी की पूजा भी करेगी क्योंकि आज तुलसी विवाह भी है और छोटी दिवाली है, और उसके बाद यहाँ पर खाटू श्याम के भजन वगैरह होंगे, तो हम भजन सुनने भी जाएंगे बाहर। बच्चे फटाके चला रहे हैं, फिर हम भी फटाके चलाएंगे। मम्मी दीपक की तैयारी कर रही है। मम्मी कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। कैसे हुए दर्शन? आपकी साड़ी और दीवार का कलर मैच मैच हो रहा है। आपकी साड़ी और दीवार का कलर मैच मैच हो रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे बम जला रहे हैं, उनमें को डर लगता है। यहाँ पे दीपक क्यों रखते?
यमदूत का दीपक, और ये जल्दी बुझ जाएगा, जल्दी राख राज हो जाएगा। मम्मी आपने छोटी दिवाली पे भी दिवाली की साड़ी पहन ली, मैं हर चीज अच्छी लाती हूँ ना। मेरी मम्मी ने तुलसी जी की शादी भी करवा दी है, ये देखो तुलसी जी और ये सालक राम जी बिठा रखे हैं गमले में, और ये तुलसी माता छोटे से हैं सालक राम। हाँ मैं फटाका फुस हो गया कितने। अच्छा तू यही पटाके लाया आज? आज नहीं पहले थे, बार बार बनता हूँ। जला अच्छे से जला। ये सबसे बेस्ट फटाका। गैस तो मैं मार्केट जाके घर पर आ गई हूँ, कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था और कॉलोनी में भी स्टार्ट नहीं हुए थे भजन वगैरह कुछ भी, तो मैं तो घर पे आ गई, डिनर वगैरह कर लिया। अभी मम्मी और हरी गए हैं, अब स्टार्ट हुए तो वो दोनों वहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं तो सोने जा रही हूँ, पता नहीं वो कब तक देखेंगे क्योंकि भजन तो पूरी रात चलने वाले हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।